जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। युवाओं को बजट में कई सौगात देने के बाद प्रदेश के युवा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के हितों की हमेशा रक्षा करेगी और युवाओं के उम्मीद के अनुसार आगे भी पैसे लिए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बजट में मुख्यमंत्री ने 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 10 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार करवाया जाएगा। चालू कितने वर्ष में 70,000 के स्थान पर 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा में बजट पर बहस की शुरुआत हुई। बहस की शुरुआत करते हुए सत्ता पक्ष की विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को बहुआयामी सोच का विजन बताते हुए कहा कि यह प्रदेश के लिए खुशहाली लाने वाला बजट है। बजट में किसान, युवा, महिला वर्ग को लेकर बहुत सी घोषणा की गई है। आने वाले समय में इस बजट के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। दीप्ति ने कहा कि बजट में शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली और चिकित्सा को लेकर जो घोषणा की है उन घोषणाओं का आमजन के हित पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने मौजूदा सरकार को कई चीजें गिफ्ट में दी है जिनमें भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है। बिगड़ी कानून व्यवस्था, पेपर लीक, साइबर अपराध जैसी कई सौगातें मिली है। इनको दुरुस्त करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। आस्था के अटूट केंद्र अमरापुर स्थान जयपुर में प्रेम प्रकाश मंडलाचार्य तपोनिष्ठ महायोगी आचार्य सद्गुरु स्वामी टैमुराम महाराज के 138वें प्रकटोत्सव के 5 दिवसीय जन्मोत्सव पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सद्गुरु स्वामी टैमुराम महाराज के जन्मोत्सव पर गंगाजल, पंचामृत, गाय के दूध, 12 फलों के रस एवं विभिन्न औषधीय के जल से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात 40 मिनट का हवन यज्ञ अनुष्ठान, नित्य नियम, प्रार्थना, भजन, संकीर्तन, अखंड ज्योत, श्रीमद् भागवत गीता एवं श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ साहिब के पाठों का भोग परायण करने के बाद 138 किलो महाप्रसादी लड्डू का भोग लगाया गया। श्रद्धालु वाले बधाई गीत गाकर सुनाए। पानी, जूस, शरबत, ठंडाई, शिकंजी, लस्सी आदि की स्टॉले लगाई गई। अंत में विशाल भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण की। भंडारे की सारी प्रसादी पवित्र स्थान पर आए श्रद्धालुओं ने ही तैयार की। शाम को भजन सत्संग, 40 आरती, प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण, रंगोली सजावट, दीप माला सजावट, मंदिर फूल बंगला झांकी सजाई जाएगी। राज्य के सबसे बड़े राजस्थान विश्वविद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने विश्वविद्यालय के घूमर पंडाल में पौधारोपण किया। इस पौधारोपण अभियान में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा के साथ विधायक और सिंडिकेट सदस्य कुलदीप धनखड़, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा सहित राजस्थान विश्वविद्यालय के बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर बैरवा ने कहा कि जहां से मैंने पढ़ाई की थी वही आज पौधारोपण करते हुए मुझे घर महसूस हो रहा है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।